लग चुकी है, मेरी DDA से बात हुई है और SDO एग्रीकल्चर को भेजा गया है, जो एग्रीकल्चर उचेहरा में खुद खड़े होकर के यूरिया बंटवा रहे हैं और दूसरा ट्रक भी वहाँ रवाना कर दिया गया। थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है, जिले में कोई कमी नहीं है बट परिवहन में या रैक लगने में हो सकता है कि थोड़ा सा विलम्ब हो। दूसरी चीज़ है कि जो DMO यूरिया के काम में लगे हुए हैं वही जिले में धान खरीदी का भंडारण भी करा रहे हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों मौसम खराब हुआ है, सारा अमला वहाँ लगा हुआ है, तो जो धान भी लेके आ रहे हैं वो भी किसानों का है, यूरिया भी किसानों के लिए, सारा अमला किसानों के हित में ही लगा हुआ है। तो थोड़ा सा मेरा अनुरोध है किसान भाइयों से कि थोड़ा सा धैर्य रखें, अगर जब यूरिया यहाँ से निकल चुका था और पहुँच रहा था तो चकाचम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 8 रोज से खाद ले आ रहा है, खाद नहीं मिल रही, नहीं मिल रही बोरी। रोज आधार कार्ड मांगा थे, 4 बार जमा कर चुके हैं, नहीं मिली। आधारों कार्ड हरा जाते, आधारों कार्ड हरा जाते। कहाँ कितने कहाँ से आए आप? पतराहटा। कितनी बार यहाँ लौटे? 4 बार। वैसे किसान का खाते का यूरिया का 10 रोज से लौटे थे, कहूँ 2 बोरी पॉइंट, कहूँ तो 20 बोरी दे देते, अब कहूँ 2 बोरी नहीं पा रहे। हाल है किसान का, सतना यहाँ SDO को गया पंजाब और सतना को गया पंजाब, अगर नहीं समझते हाल तो रोडो जाम को।